बहुत दिनों से हर बंदा एक ही चीज पूछ रहा है, मोगी भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अरे मैं नहीं, स्टिक वॉर कहाँ है, स्टिक वॉर कहाँ है, स्टिक वॉर कहाँ है। तो देखो भाई, यहाँ पे है स्टिक वॉर्स, क्रेजी यूनिट वर्सेस काउंटर स्ट्राइक। अपोनेंट ने कर दिए 14 अटैक 14 14 69। तो गाइस हमको करने यहाँ पे उनसे ज्यादा स्टार। तो स्वागत करते हैं पापा मोगाम्बो, सभी बालक बालिकाओं, छोरे छोरियो, लोडे लोडियो, मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चाचा दादा के बाल कुतात निब्बा प्यारे निब्बो का भी जाए सच्चे तुम्हारी कसम एकदम कसम। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल नीचे से, क्योंकि नीचे से आता है मजा। अंकित भाई साहब है, टाउनल 9 का सिर्फ एक ही बेस है, उसके बाद टाउनल 11 है, टाउनल 10 का भी कोई बेस नहीं है, फिर 12 12 13 और 14 14 14। तो गाइस सबसे पहले अंकित के ऊपर थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, इसके बाद के क्योंकि जो सारे अटैक है वो होंगे एकदम बाहुबली अटैक। अब ये कहोगे मोगे भाई ये तो बच्चा है, अब एक बात बताओ अपोनेंट में बच्चा आ गया तो इसमें मेरी गलती है, मतलब ये वाला बेस बच्चा आ गया तो मैं उसको क्या कहूँ बेटा पापा बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है गाइस। अब जो आगे उसी पर अटैक करना पड़ेगा हमको, लेकिन इसके आगे के जो बेसिस हैं वो अच्छे हैं। देखो मैं मजे मजे में अटैक कर रहा हूँ, उल्टा सीधा अटैक कर रहा हूँ जान पूछ के। कभी आपको लग रहा है मोगाम्बो भाई को तो आर्मी उतारनी नहीं आती, पैका अभी तक उतारा नहीं है, सीधा होग्स उतार दिए, भाई मजे ले रहा हूँ मैं। 3 स्टार मारना मेरा इसको वो नहीं है, मतलब कि तुरंत ही के ट्रिपल मारो ख़त्म करो, ना 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 ना, आराम से मजे लेंगे, थोड़ा सा छेड़ेंगे उसके बाद करेंगे गाइस। सीधा काम करने में कभी मज़ा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा परेशान करो, छेड़ा खानी करो बेस के साथ, बेस के साथ बात कर रहा हूँ मैं, आप कुछ और मत समझ जाना, नोटी हो जाते हो गाइस आजकल आप। तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर इस वाले बेस का हमने बोरिया बिस्तर भर दिया। उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और लाइक तो करना ही करना है, 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं हम इस वीडियो का, जल्द से जल्द 10,000 लाइक पूरे हो जाने चाहिए। और सब्सक्राइब अगर 10,000 कर दो तो क्या ही बात है, फिर तो भाई साहब पार्टी चलेगी रात में। देखो जी नीचे के बेसिस हमने कर दिए क्लियर, अब करेंगे एकदम मुश्किल बेसिस के ऊपर अटैक, टाउनल 12 पे अटैक करेंगे। मतलब सबसे पहले एकदम भयानक सा दिखने वाला बेस है ये, और आर्मी देखो आप मेरी क्वीन चार्ज लावा लून करने की चुल लगी है मेरे को। अब आप कहोगे मोगी भाई आपको आता तो है नहीं क्वीन चार्ज लावा लून, भाई आता नहीं है तभी तो आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, जो काम हमें आता नहीं फिर भी हम वो करते हैं ताकि आप लोगों को मजा आना चाहिए। इलेक्ट्रो से तो पता है आपको मैं खाल उतार दूंगा, पर खाल ना उतरे ऐसा भी तो कुछ करना चाहिए। पॉइजन डालना पड़ेगा यहाँ पे ताकि क्वीन हमारी बची रहे। और यहाँ पे रास्ता बनाएंगे इनके लिए टाउन हॉल तक का, सीसी टेक डाउन हो गया आराम से, ये अच्छी बात है, पर हमको टेक डाउन करनी है बाकी की और चीजें भी। और नेट जा रहा है भाई यार, ये अब ये क्या काम हो गया हमारे साथ, काफी बुरी घटना घटित हो गई है गाइस। ओ चलो आ गया, मुझे तो लगा था कि गया। यार ये नेट बार बार भाग रहा है जिसकी वजह से मेरा अटैक करने का ही मन नहीं कर रहा, मजाक से हटके बात कर रहा हूं मैं ये, जैसे ही मेरे को लग रहा है कि आ जाएगा फिर आ नहीं रहा, मतलब भाग जा रहा आ रहा है, भाग जा रहा आ रहा है। एबिलिटी दे देते हैं यहाँ पे, यार जो मुश्किल कंपार्टमेंट है उसको टेक डाउन नहीं कर रही है, मल्टी टारगेट वाला कंपार्टमेंट ही तो ऐसे डिफिकल्ट कंपार्टमेंट, उसको टेक डाउन करो। चलो कुछ ना कुछ दिमाग तो लगा रहे हैं, किंग के पास भी एबिलिटी है ये अच्छी बात है। मिनियन उतार देता हूँ, 3 बार तो मुझे फोन आ गया अभी तक गाइस, और 2 बार नेट भाग गया। क्विंचर लावलून करने ही नहीं दे रहे मेरे को, कह रहे मोगी भाई तू क्विंचर लावलून कर ही नहीं सकता, तू क्यों कर रहा है क्विंचर लावलून, तेरे थोड़ा मतलब का काम है। अरे भैया कर ले दो गरीब आदमी को भैया कभी कभी क्विंचर लावलून,
मतलब हम किसी के बच्चे नहीं है क्या? हमारा मन नहीं करता क्या इंचार्ज करने का? बताओ, सबके सब तभी फोन करते हैं। देखो अभी भी फोन आ रहे हैं, किसके चूल्हे गाइस, पता नहीं कौन है ये। चलो उठा ही लेते हैं। हेलो, कौन गाइस? बंदा बार बार फोन कर रहा है और चूल मिटा रहा है। फिलहाल ये हो गया अटैक, अभी करते हैं अगला अटैक। तो देखो भाई, रामलाल पे अटैक अब हमने कर दिया, अब बारी आ गई है श्यामलाल की। और बहुत टाइम से मोगी भाई कह रहे थे, मोगी भाई करते रहते हो यार एक तो तुम यार। चलो कोई बात नहीं, मोगी भाई कह रहे थे कि यार टाउन हॉल 11 पे भी इलेक्ट्रो ड्रैगन दिखाओ। आओ जी, अब आप अपने देखा क्विंचर लावलून, अब मैं आपको दिखाता हूँ टाउन हॉल 11 पे गल फैक्ट्रो ड्रैगन कैसे काम करते हैं। एक बेबी ड्रैगन से थोड़ी सी फनल बनाएंगे, जरा सी, एक इंच की बस, बन गई। यहाँ पे क्वीन उतारेंगे, किंग उतारेंगे, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स उतारेंगे, बलून्स, स्टोन स्लैमर, वार्डन, फ्रीज डालेंगे, एबिलिटी को होल्ड रखेंगे अभी, अब देंगे क्योंकि अब आर्मी जा रही है डेंजरस कंपार्टमेंट की तरफ। डेंजरस कंपार्टमेंट है इसका आर्टलरी वाला। यार एक तो टाउन हॉल 11 और 12 पे ना मेरे को एक बड़ी गंदी सी आदत है, 11 और 12 पे ना वो ढूंढता रहता हूँ मैं बार बार। अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे यार नाम याद नहीं आ रहा, एक तो नाम भूल जाता हूँ आपको पता है, अरे जो भाग भाग के भाला मारती है। चलो छोड़ो, जाने दो, नहीं याद आ रहा तो क्या करूँगा। रॉयल चैंपियन, यस, टाउनल 10 11 पे और 12 पे खासकर। मैं सोचता हूँ रॉयल चैंपियन कहाँ रह गई मेरी, पर रॉयल चैंपियन तो है ही नहीं, तो रहेगी कहाँ। एबिलिटी सब व्यस्त हो गई हैं, एक बड़ा डिफेंस जो परेशान करने के लिए बचा है वो सिर्फ है वार्डन टावर, जिसको आसानी से हमारे गल्फैक्ट्रो ड्रैगन टेक डाउन करेंगे। एंटी इलेक्ट्रो ड्रैगन बेस था ये, आपको बता दूं मैं, ये बेस इलेक्ट्रो ड्रैगन को डिफेंड करने के लिए ही बनाए जाते हैं इस तरह के बेस। पर आप इस तरह के बेस पे जब आप ट्रिपल मार लोगे तो फिर आप किसी भी तरह के बेस पे ट्रिपल मार लोगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अब यहाँ पे इसके बाद हम करेंगे कुछ शायद वापस से डिफरेंट अटैक, देखते हैं अगला बेस कौन सा है। एक एक करके खाल उतार देनी है, स्ट्रीक वॉर चल रही है भाई, ये स्ट्रीक वॉर में जीतना बहुत जरूरी है। टाउन हॉल 11 पे एक अटैक किया, 12 पे किया, अब बारी है टाउन हॉल 13 की। और इस बार देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल ही वो आर्मी जो आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते, सुपर बॉलर स्मैश आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं ये आर्मियां। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है पर मेरे भाइयों को पसंद है इसलिए हम बना रहे हैं। ऑर्डन उतार रही है, वार्डन नीचे की तरफ जा रहा है, इधर नहीं जाना चाहिए था इसको, ऊपर ही ऊपर चलना चाहिए। सिंगल निकालना है हमको और एयर डिफेंस दोनों। फ्रीज कर दिया है, एयर डिफेंस भी आ जाएगा। अब उतारेंगे क्वीन, एक आइस गोलम भी उतारना पड़ेगा यहां पे, येटी, दो विचिस, एक और वॉल ब्रेकर, रेज, वॉर्डन एबिलिटी, किंग एबिलिटी भी दबानी पड़ेगी यहां पे तो लग रहा है। रॉयल चैंपियन
एक और रेज, हेड हंटर भी डाल दिया है मैंने, और अभी आर्मी पहुंच नहीं रही है टाउन हॉल तक, जो कि दिक्कत है। एक रेज और डाल देते, सिंगल आ जाएगा भाई। अब बस एक्सबो से कौन बचाएगा, एक्सबो से बचाओ कैसे भी करके, असली खतरा है एक्सबो। एक्सबो का पूरा कंपार्टमेंट है। येटी हालांकि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हीलर अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। चलो गाइस, एक्सबो भी हो जाएंगी अब टेक डाउन। देख रहे हो, सुपर बॉलर स्मैश भी कर लेता हूं मैं रगड़ तकड़ के, रगड़ तकड़ के सारे अटैक करना जानता हूं मैं गाइस। एक ही हीलर बची है, क्वीन एबिलिटी दबा देते हैं वरना दीवार तोड़ने में जीवन लगा देगी क्वीन। थर्टी सेकेंड्स बची है, टाइम फेल होने के पूरे चांस है। टाइम फेल हो रहेगा गाइस, ये अटैक 100% टाइम फेल हो गई है गारंटेड। 97% या 98% पे जाके टाइम फेल होएगा, देखते हैं कितने पे फेल होएगा। 93, 94, मेरी किस्मत खराब है ना, 98, 99 पे भी हो सकता है। 96, 97, 98, 99, वाह वाह मेरे बेटे शेर। पूरी तरह से टाइम फेल खाने के बाद अब हम लोग अटैक करेंगे गाइस टाउन हॉल 12 पे। अलग अलग अटैक कर रहा हूं मैं, कभी यहाँ कभी वहां, मजा आता है गाइस अलग अलग जगह पे अटैक करने में, मजा आता है आपको पता ही, एक जगह अटैक करने में मजा नहीं आता है ना। तो नया बेस मिला है और बेस तोड़ने का अलग ही मजा है। अब चाहिए टूटे या ना टूटे कोशिश तो करेंगे। 10,000 लाइक का टारगेट है, 10,000 लाइक करने आपको, और 10,000 सब्सक्राइब कर दिए तो भाई आज रास्ते में जाके किसी के साथ ना मुंह, बस समझ जाओ आप आगे हर चीज बोलने वाली नहीं होती, पर 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, बढ़ने चाहिए मजाक मजाक में। चलो गाइस, अरे बलून्स तो है ही नहीं, 2-3 ही बलून है बस। ऑर्डन एबिलिटी भाई, ये क्या, ये क्यों लेके आया, ये खतरनाक सी चीज है एकदम। हेटीज कोशिश तो कर रहे हैं कुछ कुछ चीजों को टेक डाउन करने की, पर सबसे इंपॉर्टेंट है अपोनेंट की क्वीन, और ये सिंगल टारगेट इन्फर्नो जहां तक इलेक्ट्रो ड्रैगन्स पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीजें टेक डाउन होनी बहुत जरूरी है। क्वीन तो हो गई पर सिंगल टारगेट अभी भी बचे हुए हैं। चलो एक गया, एक ही बचा है क्योंकि एक से भले दो होते हैं। अब इस सिंगल टारगेट को मेरे इलेक्ट्रो ड्रैगन निकाल लेंगे क्या? दो इलेक्ट्रो ड्रैगन है और बुड्ढा है, एक बेबी ड्रैगन है। क्वीन बाकी के डिफेंसेस को तोड़ देगी, और बंदे इस चीज की भी डिमांड कर रहे थे, मोगी भाई टाउन हॉल 12 पे इलेक्ट्रो ड्रैगन लेके आओ। देखो मैं सबके कॉमेंट पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाता हूँ, पर देखो काम मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाता हूँ। मैं बार बार पढ़ रहा था स्ट्रीक वॉर का और टाउन हॉल 11-12 पे इलेक्ट्रो ड्रैगन का, तो जैसे ही समय आया दोनों चीजें एक साथ आई हैं, टाउन हॉल 11-12 इलेक्ट्रो भी और स्ट्रीक वॉर भी। टाउन हॉल 12 के बाद वापस आ गए हैं टाउन हॉल 13 पे हम, इसके बाद सिर्फ टाउन हॉल 14 बचेगा, और यहाँ पे करेंगे हम एक डिफरेंट किस्म का हाइब्रिड अटैक। देखो आप पिटारे में से इतनी चीजें निकाल के रख देंगे आज कि समझ में ही नहीं आएगा आपको। मोगी भाई ऐसा पिटारा भी आपके पास, भाई देख लो अपने पास बहुत जुगाड़ है उल्टी सीधी आर्मियों के। यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर लगेगा, इन्हें एक बार अंदर चली जाए तो अच्छा रहेगा प्लान, क्योंकि हमारा यही है। यहां पे जंप लगेगी, एक रेज लगेगी क्वीन पे, किंग उतार देंगे यहां पे, फ्रीज कर देंगे मल्टी कोर इसको दोनों को। एक और रेज देंगे क्वीन को,
एक हेड हंटर माइनर्स ओग राइडर्स वार्डन ये ओ हीलर शिफ्ट हो गई यार पागल है हीलर्स वार्डन एबिलिटी कोई नहीं गाइस छोटा मोटा तो नुकसान झेलना पड़ता है क्या कर सकते हैं एक ही हील है हमारे पास और वही काफी है ज्यादा हील सही नहीं प्लान भी तो ओपी है एकदम चुराया हुआ प्लान है गाइस अब क्या बोलूं मैं क्योंकि आप तो मेरे से एक्सपेक्ट करते नहीं हो ऐसे अटैक ऐसे ऐसे अटैक दिखा देंगे भाई ऐसे ऐसे खत्म टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू टेक केयर सयोनारा हो गया इस बेस के साथ गाइस आर्मी देखो कितनी बची दोबारा घूम के ट्रिपल मार देगी इतनी आर्मी अभी भी बची हुई है अपोनेंट के सिर्फ दो बेस बचे हैं देखो यहाँ पे वन और टू और इनको हराने के लिए मेरे को सिर्फ 50-50% टू स्टार करना है क्योंकि मेरे टाउन हॉल 14 के सारे बेसेस जिंदा हैं तो अब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रो ड्रैगन नहीं करूंगा अब हम करेंगे क्वीन चार्ज ड्रैगन राइडर और इस अटैक में भाई मैं बिल्कुल भी माहिर तो क्या नूब से भी बेकार हूं पर चलो करते हैं ट्राई एक बार जरा इनको निकाल लें आर्चर टावर्स को हीलर्स बस थोड़ी सी लेट हो जाती तो दिक्कत हो जाती यहां पे मेरी क्वीन को चलो दिक्कत तो अभी भी हो गई है गाइस नाइस दिक्कत करने में हम एक्सपर्ट है अपनी क्वीन को वॉल ब्रेक करेंगे यहां पे अब फ्रीज करेंगे इनविजिबल करेंगे पीएस तो आएगा नहीं गाइस समस्या हो गई है यहां पे क्वीन के लिए ऊपर से एबिलिटी नहीं है क्वीन के पास सारी स्पेल्स इन्वेस्ट हो गई हैं और क्वीन नहीं बच पाई है दर्दनाक तरीके से हमने अपनी क्वीन को मरवा दिया गाइस अब हम क्या करें अब हम टाइम फोड़ेंगे अपना और क्या करेंगे हो मैं हाइस गोलम भी लाया था एक उसका इस्तेमाल करना ही भूल गया ये होता गाइस लापरवाही का नतीजा कोई नहीं हाइस गोलम को यहां यूज कर लेंगे क्या दिक्कत आ रही है गाइस अगर क्वीन सरवाइव कर जाती ना भाई तो मजा आता है इस अटैक में पर वही बात है भाई अगर मेरे चाचा के मूछे होती तो मैं चाचा को चाची नहीं कहता ना क्वीन सरवाइव करी और ना मजा आया फिर भी हमारा अटैक जारी है थोड़े बहुत जो मजे ले सकते हैं हम इस बेस के साथ वो लेने की कोशिश कर रही है हेड हंटर को हमारी पेल दिया गया क्वीन का सरवाइव करना था बस इस भी अटैक में बाकी तो बेस खत्म हो जाता फिर आइस गोलम यूज कर लेता तो कुछ हो सकता था क्वीन अगर टीएच को टारगेट बनाती तो भी कुछ हो सकता था रेज भी मैंने लेट कर दी बहुत सारी मिस्टेक्स एक साथ एक ही अटैक में कर दी गाइस पर चलो कोई नहीं 69% ओपी अटैक करेंगे इस पे अब आपको लगेगा मोगी यार तेरे को तो अटैक नहीं आता तू तो नूब है भाई मैंने अटैक इस तरह से करा था कि मैं 69 करूं 70 हो गया कहां चल रहा है मेरा दिमाग आज का आखिरी अटैक करेंगे सेवा भाई साहब के ऊपर जीतने के लिए 2 star 50% चाहिए सिर्फ हमको और इतना तो मैं कर ही दूंगा गाइस ज्यादा ट्रिपल व्रिपल मारने की अभी कोशिश नहीं करूंगा बहुत अटैक कर दिए 2-3 अटैक होल्ड रखूंगा गाइस आखिरी टाइम के लिए अगर अपोनेंट अटैक करते हैं ज्यादा फैंपा करते हैं फूफा करते हैं तब इनको ट्रिपल मारेंगे फिलहाल 2 star 50% करके इसको छोड़ दूंगा और पक्का बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं करूंगा ज्यादा से ज्यादा 69 करूंगा इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पिछली बार जो गलती हुई इस बार तो दोहराऊंगा ही नहीं ठीक है गाइस अच्छे बच्चों की तरह अटैक करेंगे गाइस किंग उतारेंगे गाइस
फिल्म से टी एच ले लेंगे गाइस। कहां पे रेज डालनी पड़ेगी और उसके बाद भी बात नहीं बनेगी लग रहा है। इलेक्ट्रो ड्रैगन की हेल्थ कम है, चलो हो गया। आर्टिलरी निकाल दी जाते जाते, अच्छी बात है। कुछ तो ढंग का काम करा जीवन में इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ने आज मेरे। पहले देखो टू स्टार हमने कर दिया है, हारने के चांसेस अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हमारे। स्ट्रीक वॉर हमारी आगे बढ़ेगी इस वॉर को जीतने के बाद कन्फर्म। अब तो सिर्फ परसेंटेज बढ़ा दे रहा हूँ गाइस थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा ठीक रहे। यार ये रॉयल चैंपियन देखना कितना परेशान कर रही है मेरी क्वीन को, मतलब मेरी रॉयल चैंपियन को। मेरी बेचारी, मेरी क्वीन इतनी शरीफ है बेचारी, आराम से दीवार तोड़ रही, किसी को कुछ नहीं कह रही। अरे ये अपोनेंट लोग परेशान कर रहे हैं मेरी आर्मी को, मेरे डिफेंस भी परेशान कर रहा है गाइस। देखो हम इतने शरीफ हैं, हमने सोचा सिर्फ टू स्टार ही मारेंगे इसको। मैंने यही सोचा था कि मैं इसको टू स्टार मारूंगा, पर गाइस इसने हमको परेशान कर करके हमारे साथ बदतमीजी जो करी है उसका बदला लेना तो बनता है। तो यहाँ पे इसको गाइस ट्रिपल ही मार देते हैं, ठीक है। बहुत मजाक हो गया, अब मजाक हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। डबल, ये बचे हैं इसके गाइस छतुंदर, जो ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बुड्ढे को, पर बुड्ढा मरेगा नहीं। तो ट्रिपल कर दिया इसको हमने मजाक मजाक में, हालांकि टू स्टार 50% करना था। तो यहाँ पे गाइस ये अटैक हमने छोड़ दिया, इसको बाद में देखेंगे, ट्रिपल मारने का मन करेगा तो मार देंगे, पर अब मुझे लग नहीं रहा है किसी भी हाल में जीत पाएंगे, क्योंकि अपोनेंट के सारे अटैक खत्म हो चुके हैं टॉप 3 प्लेयर्स के और मेरे तीनों बेस अभी भी बचे हैं टनल 14 के। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, 10,000 लाइक और 10,000 सब्सक्राइब वो तो नहीं हो पाएगा, पर 10,000 लाइक तो कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे प्यारे माता पिता का भी। बाय।